भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी का कहना है कि जो गठबंधन की सरकार है वो उस कानून तोड़कर आंदोलन करती है बिना किसी परमिशन लिए प्रशासन का। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं को कि देश को बर्बाद कर दिया, राज्य को बर्बाद कर दिया और कांग्रेस पार्टी चूड़ी पहन के राजनीति नहीं करते हैं। किसान को बेच दिया भाजपा के लोगों ने, किसान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, तो क्या हम लोग वेट करेंगे? किसी का वेट हम लोग नहीं करेंगे। तो कानून तोड़कर कानून क्या, किसान है तभी कानून है। किसान को मरने छोड़ दे, हम किसान चलते आज हम लोग हैं, किसान के चलते भाजपा है, किसान के कारण नरेंद्र मोदी जी हैं, और अब किसान को मारिएगा, किसान को तबाह कर दीजिएगा, उसके बाल बच्चों को मारिएगा। कोई कानून हमको नहीं तोड़ा, और मैं कहना चाहता हूं अमर बावरी को दिखा दीजिएगा उनको, दलित समाज से बातें हैं, भाजपा उनका उपयोग कर रही है। दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो भाजपा है, शर्म करना चाहिए। स्वार्थ की राजनीति करते हैं अमर बावरी, हमारे साथ कलीग हैं, अपने आप को इन लोगों ने बेचा था भाजपा के हाथों, कितने में बिके थे शायद आप उन्हीं से पूछिएगा, वो हम लोगों को बताएंगे। मेरे कलीग होने के नाते मैं उनको सलाह दूंगा, उत्तर प्रदेश की घटना आप देखिए, संसार करने वाली घटना है, दलित बच्चे के साथ दर्दनाक रेप कहिए उसको होता, और चुप है और नेतागिरी कर रहे हैं आप। मैं अगर दलित होता, मैं अगर अमर बावरी की जगह होता तो भाजपा को गाली गुलज करके मैं त्याग पत्र देता भाजपा से, एक हमदर्दी होता। आपको अपना कौम, आप दलित समाज के नेता है, आप दलित के साथ अत्याचार होगा तो आप कर क्या रहे हैं? इसी कह रहे हैं आप लोगों ने दलित समाज ने विश्वास किया था क्या? आज दलितों के लिए इरफान सही लड़ता है, सभी जुल्म के शिकार लोगों के साथ इरफान सही खड़ा है, और भाजपा आपको यूज कर रही है। अमर बावरी जी समझिए, जो दलित देश में सबसे निचला पायदान पर है उसको उठाने का कैसे काम होगा ये तो सोचिए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया जी, दलितों को सम्मान दिया है, हमेशा से दिया है, हम लोगों ने दिया दलितों को सम्मान, और आपको भाजपा यूज कर रही है। आप ये मत समझिए आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत आप काबिल आदमी है, हम नहीं जान रहे कितने बड़े काबिल हैं आप अपने आप को बेचिए, इसलिए आपको पोस्ट दे दिया। नहीं बेचे क्या पूछता आपको, भाजपा पूछती क्या आपको? आपकी आवश्यकता थी, आपको यूज कर लिया, इसलिए मैं कहूंगा नसीहत मत दीजिए। कानून व्यवस्था हमारी सरकार है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग राजभवन तक हमारी जुलूस नहीं गई, रोक दिया गया हम लोग, तो हम लोग किसान के साथ, उनके दर्द के साथ हम लोग हैं, उनके दुख के साथ हम लोग हैं, उनके सुख के साथ हम लोग हैं, हम ही नहीं पूरा कांग्रेस पार्टी है, अकेला जी है, आंदोलनकारी विधायक हमारे साथ है, दिन रात आंदोलन करते हैं अकेला जी, दलितों का नेता अकेला जी है, दलित समाज पर अत्याचार होता है आवाज उठाते हैं, तो हम लोग उनमें से आते हैं, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मण भी हो, यादव भी हो, किसी भी जात, मारवाड़ी हो, राजपूत हो, सबका काम कांग्रेस करती है, हम लोग करते हैं, किसी भी जुल्म हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस है। कांग्रेस मिश्रण है, सभी समाज का एक मिश्रण है कांग्रेस, किसी एक पक्ष की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज दलितों पर अत्याचार हुआ है, ये योगी, मैं कहना चाहता हूं बहुत दूसरे राज्य घूमने का शौक है ना, पहले अपना राज्य देखिए, आए थे इरफान अंसारी को हराने के लिए, मंदिर बनाएगा इरफान अंसारी क्या? इसी के लिए आपको जनता ने आपको सीएम बनाया है? आज आपके राज्य में क्या हो रहा है सब, योगी जी बताइए, मैं जानना चाहता हूं। बच्ची का बलात्कार, दलित बेटियों का बलात्कार, इसी के लिए आप मुख्यमंत्री बने हैं? घूमना छोड़िए और दोबारा मत आइएगा झारखंड, बताना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं यूपी। अच्छा, भटिया भट्टा मैं क्या कहते पुलित कर दूंगा, यूपी मजाक बना कर दिया उत्तर प्रदेश का। तो आप यूपी क्या करने जा रहे हैं सर? इसका भट्टा बिठाने जा रहा हूं, लोगों को समझाने जा रहा हूं कि आपके साथ वहां जनता के साथ कांग्रेस ही है, मेरी बात को मानिए, मैं वहां के लोगों को कहूंगा ये ढोंगी है, योगी नहीं, ढोंगी ढोंगी, मोदी जी
ढोंगी से सरकार नहीं चलेगी, जोगी और ढोंगी ये राज चला गया, लोग ये शुरुआत कर दिया है। कितने लोगों की बताइए साहब, 15 दिन पहले बलात्कार होता है बेरहमी के साथ, क्या सलूक उसके बच्चे के साथ नहीं किया, तो आप तो इसके लिए क्या आवाज उठाएंगे? कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आप देखे होंगे कल मेरा आंदोलन खड़ा है, मैंने कर दिया, एक एक दलित के साथ इरफान अंसारी है। ये जोगे होश में आइए, आप इंसाफ दिलाइए, नहीं तो इरफान अंसारी जाएगा और उत्तर प्रदेश की लंका को हम दोनों उठाएंगे, आग लगा देंगे उत्तर प्रदेश, भाजपा की सरकार को आग लगा दूंगा मैं। बहुत हो गया, धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, युवाओं को ठगते हैं, छलते हैं, सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो क्या बर्बाद कर दीजिएगा लोगों को। बहु बेटी की कोई इज्जत नहीं है क्या हमारा? और इसका परिणाम सुन लीजिए मैडम, बता रहा हूं, एक भी दलित अगर भाजपा को वोट दिया तो समझ लीजिएगा क्या हाल होगा, यही हाल होगा, और इसका असर बिहार चुनाव में पड़ेगा, याद रखिएगा। बिहार चुनाव में क्या आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? हम दोनों, हम लोग मैडम स्टार प्रचारक होंगे, स्टार प्रचारक, हमें बुलाया जा रहा है, गया से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, और एक भी सीट नीतीश कुमार हो या भाजपा, सुन लीजिए, बहुत हो गया, 15 साल आपने राज किया वहां। अच्छा, तो क्या लग रहा है नतीजा क्या आएगा, किसके एनडीए या देख लीजिएगा, जो झारखंड का परिणाम हुआ मैडम वही परिणाम आपका बिहार में भी होगा, जनता आक्रोशित है, वहां कोई विकास नहीं हुआ, लालू यादव शेर है, शेर शान है देश का, आज कहते हैं आदमी मिल रहा है, नेता मिल रहा है, अरे क्यों नहीं मिलेगा, कौन सा पाप किया मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, बताइए, 5 करोड़ रुपया का उनका गमन का मामला है, और जो हजारों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गया मैडम, नीरव मोदी, नीरव 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 गुजराती, जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, एक साजिश के तहत उनको भगाया गया, लूटा गया। तो सर आपकी सरकार है, लालू यादव को क्यों अभी तक जेल से नहीं निकाला गया? देखिए मैडम, कोर्ट का मामला है ये, हम लोग चाहते हैं अगर कोर्ट, हमारे कोर्ट का अपना दायरा है, उस पर हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लालू जी बेगुनाह है, अंदर आत्मा की आवाज है, सबूत पे नहीं जा रहा हूं मैं जानता हूं गरीब के लिए लड़े हैं, वो आम लोगों के लड़े हैं, उनको उनकी जो परेशानी है हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये भाजपा के लोग, अगर यही लालू जी अगर भाजपा में मिल गए होते ना तो आज मुख्यमंत्री होते बिहार के, भाजपा के अंदर जाइए सारा दाग मिट जाएगा मैडम, यही भाजपा है, क्राइम कीजिए भाजपा में जाइए दाग मिटाइए, लालू यादव उनमें से नहीं है, लालू यादव के साथ हम लोग खड़े हैं, इंसाफ मिलेगा विश्वास है हमको, और लालू जी छूटेंगे और नीतीश का गर्दी छूटेगा। बिहार चुनाव में आप स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं, क्या लग रहा है? बिहार के चुनाव में यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार को 50 से नीचे विधायक बनेंगे, वहां सरकार यूपीए गठबंधन की बनने जा रही है और तेजस्वी वहां का मुख्यमंत्री है, अब बनेगा। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज यानी कि DHD न्यूज के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और फॉलो करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल DHD न्यूज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें।